गुड आफ्टरनून डियर लर्नर्स, इन माय प्रीवियस सीरीज ऑफ इंग्लिश लेसन्स यू हैव बीन टोल्ड अबाउट कंडीशनल्स, हाउ टू यूज देम एंड व्हाट आर द स्पेसिफिक सिचुएशंस व्हेन वी यूज कंडीशनल्स एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ कंडीशनल्स। टुडे आई एम हियर विद अ स्पेसिफिक टॉपिक दैट इज क्वेश्चन टेक्स्ट। क्या है विद्यार्थियों, पीछे मैंने आपको कंडीशनल्स बताए थे, कितनी तरह के कंडीशनल्स होते हैं, उनको कैसे यूज किया जाता है। और अब आपने देखा होगा, अगर आप इंग्लिश में बात करना ही चाहते हैं, इनको सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स हम तैयार कर रहे हैं पहले, ताकि बाद में आपको कोई दिक्कत नहीं आए। तो उसी सीरीज में एक बेस बनाने के लिए आपको नई चीज बताते हैं, वो है क्वेश्चन टैक्स। आम बोलचाल की भाषा में, या जब हम आम बोलचाल करते हैं, तो क्वेश्चन टैग्स कई बार यूज़ होते हैं, दिन में भी कई बार यूज़ होते हैं, जब भी हम बातचीत करते रहते हैं होते ही रहते हैं। तो क्वेश्चन टैग्स होते क्या हैं, ये थोड़ा समझ लीजिए। तो ये है, क्वेश्चन टैग्स आर नॉट कंप्लीट क्वेश्चंस, क्वेश्चन टैग्स नॉट कंप्लीट क्वेश्चंस, अपने आप में ये पूरे क्वेश्चंस नहीं होते, लेकिन दे आर ए फॉर्म ऑफ क्वेश्चन अटैच टू इट। एक प्रकार से क्वेश्चन का फॉर्म होता है जो कि उसे अटैच किया जाता है, जोड़ा जाता है उससे उसको, ठीक है। दे एक्ट एज कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, और कोई भी स्टेटमेंट जो हम कहते हैं उसको कंफर्म करते हैं, फिर दोबारा अपने आप ही क्वेश्चन पूछ के कंफर्म करते हैं। और जनरल बातचीत में आपने देखा हुआ है, हम लोगों की आदत भी होती है, जैसे हमने बोलते मैंने खाया ना, खाया खाया ना, मैंने गाना गाया था, गाया ना, तुम वहां गए थे ना, नो यहाँ पे नो आ रहा है, तुम वहां नहीं गए थे, गए थे क्या। इस तरह से ये जो सेकंड स्टेटमेंट आप देख रहे हैं, दैट इज लाइक ए कंफर्मेशन ऑफ स्टेटमेंट, एंड हाउ आर दे यूज, दिस इज व्हाट यू आर गोइंग टू अंडरस्टैंड हियर इन माय क्लास। तो चलिए सबसे पहले हम आपको ये बता दें, देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्वेश्चन टैग्स, दो तरह से यूज होते हैं। फर्स्ट आई विल टेल यू पॉजिटिव क्वेश्चन टैग्स एंड नेगेटिव क्वेश्चन टैग्स। देखो स्टेटमेंट बहुत सिंपल है समझने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव में होगा, और अगर क्वेश्चन टैग स्टेटमेंट पॉजिटिव में है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव में होगा, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव। अगर स्टेटमेंट नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव, अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव। बहुत सिंपल है, इसके लिए हमने कुछ सेंटेंस आपको दिए हैं। पहला सेंटेंस है जैसे आई एम नॉट वर्किंग, देखो नॉट नेगेटिव सेंटेंस है, तो नेचुरली इसका जो क्वेश्चन टैग आएगा वो पॉजिटिव आएगा। और इससे पहले एक बात और बता दूं, क्वेश्चन टैग लिखने से पहले हमेशा कॉमा लगता है, कभी भी आप भूल के भी यहाँ पे फुल स्टॉप नहीं कीजिएगा, हमेशा कॉमा लगाते हैं, ये बेसिक गलती कर देते हैं लोग। तो आई एम नॉट वर्किंग क्या आएगा यहाँ पे, यहां से एम आई एक क्वेश्चन की तरह, एम आई बस एक क्वेश्चन कर दिया। अब देखा आपने यहां पे नॉट था तो यहां पे नॉट नहीं आया, एम आई क्या, मैं काम नहीं कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, एम आई शॉर्ट में आ गया एक क्वेश्चन के रूप में। उसी तरह से शी इज नॉट गोइंग टू डू इट कॉमा है, तो यहां पे जो नेगेटिव है तो इसका क्या गया, इज शी is she, ये बनेगा इसका क्वेश्चन टाइप, is she, वो इसको नहीं करेगी या नहीं करने जा रही है, क्या करेगी, राइट। देन यू डिड नॉट ईट, देखो ये भी नेगेटिव है तो इसका पॉजिटिव है, तो डिड से ही है, तो डिड यू क्वेश्चन टाइप, बहुत आसान है। इट डज नॉट वर्क, तो डज है ना यहाँ पे कॉमा करके, डज इट क्वेश्चन। दूसरा देखो, वी विल नॉट हेल्प, तो विल से शुरू कर लो, विल वी क्वेश्चन टैग। तो इस तरह से कितना आसान है देखो क्वेश्चन टैग, अब आप इसको बोलने में भी ऐसे ही यूज कर सकते हैं। एक चीज है आई एम नॉट, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं आई एम नॉट एम, या चलो अब इसका यहाँ बताते हैं, एक मैं छठा बना रहा हूं, आई एम नॉट एंजॉयिंग,
चलिए अब आपने देखा ये सारे पॉजिटिव क्वेश्चन टैग थे क्योंकि यहाँ नेगेटिव नहीं आया क्वेश्चन टैग में। अब यहाँ जो स्टेटमेंट है इस वाली साइड में देखिए, ये पॉजिटिव है तो नेचुरली जब ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है तो जो हमारा क्वेश्चन टैग होगा वो नेगेटिव में आएगा। तो शी इज रीडिंग इज के साथ नॉट लगा देंगे इज नॉट शी, लेकिन लिखने का तरीका ये नहीं होता है। क्वेश्चन टैग इज ऑलवेज रिटन इन रिड्यूस्ड फॉर्म या शॉर्ट फॉर्म में, तो इज नॉट इजंट लिखेंगे तो इजंट इजंट शी, अब नॉट आ गया ना इसमें इजंट शी, ये लिखने का तरीका है। अभी मैं इसको बता दूंगा आपको। I enjoyed it, तो यहाँ पे क्या आएगा बोलो? I enjoyed it, यहाँ पे सिंपल पास्ट है ये, इसको पास्ट दिखाने के लिए क्या करेंगे, did ही आएगा ना, तो did not या didn't I, right? ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव आ गया। It's the last one, क्या आएगा? It's the last one, क्या आएगा? Isn't it? क्वेश्चन करके Isn't it? ये क्वेश्चन आ जाएगा। Isn't it? She is leaving tomorrow. तो is not she, comma is not, isn't आएगा, isn't she? Very easy. फिर देखो he is really good looking. Isn't he? comma करके isn't he? I'm not enjoying it. Am I? देखो अब थोड़ा सा एक चीज बताता हूँ मैं। Am and I, आप तो यही बोलेंगे am and I लिखेंगे, लेकिन वैसे तो am not I, am and I आप सही मानेंगे, लेकिन इसको लिखने में थोड़ा एक अजीब सी बात है। हम इसको am and I को हम are and I लिखते हैं, याद रखना एक स्पेशल पॉइंट है। तो इसको लिखेंगे are not I, थोड़ा सा अजीब भी लगेगा आपको आर के साथ, आई के साथ तो आर वैसे भी नहीं लगता, लेकिन ये ट्रेडिशन है इसको लिखने की। आर एंड आई, एम एंड आई को आर एंड आई लिखेंगे, याद रखना एम नॉट आई, इसको हम लिखेंगे आर एंड आई, ये ऐसे लिखना है, ये तरीका है इसको लिखने का। तो आपने देखा ये हमारे क्वेश्चन टैग्स कैसे बनते हैं। एक प्रकार से जब हम कोई स्टेटमेंट कहते हैं तो उसको अपने आप ही उसको फिर कंफर्मेशन भी करते हैं। अगर ये पॉजिटिव में है तो नेगेटिव में कंफर्मेशन होता है, और अगर नेगेटिव में है तो पॉजिटिव में कंफर्मेशन होता है। दिस इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दिस क्वेश्चन टैग्स। अभी कुछ और भी है इस संबंध में क्वेश्चन टैग्स, वो अभी मैं बता देता हूँ, ये मिटा देते हैं पहले। अब आगे देखो कैसे कैसे हम बढ़ने जा रहे हैं इसमें, ये देखिए आप। राइट, तो ये जो क्वेश्चन टैग्स हैं ये क्या है, इनको कैसे कैसे आपने करना है आगे देखिए। कुछ ऐसे स्टेटमेंट होते हैं नेगेटिव, जिनके साथ नेगेटिव नहीं आएगा, जैसे बेयरली हार्डली, जैसे मैंने कहा बेयरली hardly, right? barely, hardly, और इस तरह के बहुत सारे होते हैं, no, neither, none, ये सारे आ गए आपके, no, neither, none, ये जो है इस तरह के negative में आते हैं। तो ये जो negative statements हैं इसका जब हम क्या बनाएंगे, question tag बनाएंगे, तो उसमें not नहीं आएगा। Nobody आ गया, नथिंग आ गया, सैडम आ गया, ये जो है नेगेटिव में ये सारे स्टेटमेंट आते हैं, और इसलिए इनके साथ नॉट नहीं आएगा। स्केर्सली आ गया, रेयरली आ गया, एस सी ए आर सी ई एल वाई, स्केर्सली रेयरली, याद रखना ये सारे नेगेटिव होते हैं, ये सब नेगेटिव वर्ड्स हैं। तो इनका हम जब भी क्या बनाएंगे, क्वेश्चन टैग बनाएंगे, तो उसमें नेगेटिव ही है नथिंग। अगर मैं इसका बनाता हूं ही हैड नथिंग, ही हैड नथिंग, आपने देखा ये नथिंग से नेगेटिव पता लगा ना, तो हैड ही क्या आएगा, हैड ही, ये क्वेश्चन कर लिया हमने। अब यहां नॉट नहीं लगाएंगे क्योंकि ये सारे नेगेटिव है। तो आपको ये लिस्ट याद रखनी है, बेयरली, हार्डली, नो, नीदर, नॉन, नोबडी,
nothing, seldom, scarcely, rarely. जहाँ ये आएंगे वहाँ इनके साथ not नहीं लगेगा question tag में, क्योंकि they already are in negative, right? तो ये है आपका आज की क्लास का, बाकी और इसका एडवांस वर्जन हम कल की क्लास में आपको देंगे. दैट्स ऑल. यू विल डू प्रैक्टिस ऑफ इट एंड विद वन मोर रिक्वेस्ट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक एंड शेयर विद थैंक्स.